सके तो जाग रे। हे ब्राह्मण देवता, इस मोह रूपी रात्रि में क्यों भटक रहा है, क्यों पुत्रों के पीछे भाग रहा है, संसार के पीछे काय भाग रहे? परमात्मा को याद करो। ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे तुम्हारे ज्ञान ध्यान से कोई मतलब नहीं है, देना है गृहस्थम सरसो लोके पौत्र पौत्र सबे नवत। उस ब्राह्मण का अत्यंत आग्रह देख करके सन्यासी ने, तपस्वी ने ब्राह्मण को एक फल दिया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, ले ये फल ले जा, अपनी पत्नी को खिला देना और उन्होंने नियम संयम बताए। सत्यम शौचम दया दान एक भक्तम तो भोजनम वर्षा अवधि स्त्रिया कार्यते न पुत्रो यति। कहा सत्य सोच दया दान पूर्वक सत्य बोलना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, दया करना चाहिए और दान पूर्वक रहना चाहिए। दोपहर के उपरांत एक अतिथि को भोजन करा के पीछे आप भोजन किया करें। इस प्रकार एक वर्ष तक यही स्त्री अपने धर्म कर्म से शुद्ध और चेतन रहेगी तो एक श्रेष्ठ पुत्र होगा। यह वचन सुनकर वो महात्मा जी कहीं को कहकर चले गए। ब्राह्मण देवता अपने घर आया, वह फल अपनी भार्या को दे करके उसका विधान बताया। सवेरे नहा धो करके शुद्ध होकर के सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अतिथि को किसी को एक भोजन करा करके तब भोजन करना। एक साल तक ये नियम व्रत करें तब पुत्र होगा, अच्छा पुत्र, श्रेष्ठ पुत्र होगा। और एक बात समझे, हमारी तो नींव झूठ पर ही रखी है, फिर संतान अच्छी होगी कहते, सत्यवादी हो। स्थिति बताई, बहने ने कहा, तू तो पागल है, ये बाबाजी तो फिरता ही रहते, ऐसे को पलटते को संतान होते मोड़े होते का। बाबाजी ने को कहा है, हाँ एक काम कर, मैं संतान बहुत है, कम से कम 10-8 रोक है, तो अब की संतान में है वे बारी है, वह पुत्र में तो दे जाऊंगी और तू तो पर धन बहुत है, तू हमें धन दे दियो। मोड़ा मोड़ी तो हमारे पैसे गल ने कहा करते, अब तो दे देंगे एक मोड़ा है और तू हमारे धन दे दियो। पक्का वादा करके और कहा, तू झूठ मूठ को अपने गर्व का आकार बढ़ा ले, वैसे कपड़ा घोड़ा लपेट लपाट के नहीं ताते दीसे के, हाँ भैया पड़ता नहीं आते। और इस फल को अपनी गाय खिला दे तो वह बाबा को पता पड़ जाओ के हाँ। और ऐसा ही हुआ। कुछ समय के बाद में उसकी बहन अपने पुत्र को भेज दिया, उसे धन दे दिया और ब्राह्मण को सूचना दे दी कि महाराज मेरे पुत्र हुआ है। तब तो ब्राह्मण बहुत खुशी के मारे धूमधाम से सब काम करवाए, मंगलाचरण करवाए, दान दिया। ब्राह्मण ने कहा, अब तो मैं अपने पुत्र का नाम संस्कार करूंगा। धुंधली ने कहा, अच्छा महाराज आप नाम संस्कार करोगे? हाँ, अपने गर्भ में रखा है इसलिए मेरा अधिकार ज्यादा बनता है, इसलिए मैं अपने नाम से इसका नाम रखूंगी। मेरा नाम है धुंधली तो इसका नाम धुंधकाली।
उन्होंने नामकरण किया। 3 महीने के उपरांत उस गाय को एक सुंदर बालक हुआ, जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय को एक सुंदर बालक हुआ। उसके कान गाय के जैसे थे और शरीर सुंदर आदमी जैसा। क्रियत कालेनम तो जातो, गाय के जैसे थे इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया, उसका नाम धुंधकाली। धुंधकाली महादुष्ट हुआ, गोकर्ण बड़ा विद्वान हुआ, और ये दोनों अपने जीवन में कुछ खेलेंगे कूदेंगे तो उन्होंने कहा विश्राम कर लिया। Oh, yeah.
भूत सवाल कना दी वो नाय रही वो एक भूत सवाल कना दी वो नाय रही मन भज में नाम हरि को माया काउक नाय भई मन भज में हरि को नाम के माया काउक ना भई खेलने लगा। सबसे शत्रुता पराए घरों में आग लगा दे, दीन और अंधों को दुख दे, चांडालों से प्रीत रखे, पक्षियों को फंसाने को जाल लिए फिरे, बेश्याओं की संगति में उसने अपने पिता का सब धन नष्ट कर दिया। ऐसे पुत्रों के होने से क्या फायदा है, जो अपना अपने कुल को डुबा दे, जिन माता पिताओं को सुख के बदले दुख दे, ऐसी संतान से तो क्या पागा। अपने माता पिताओं का धन सब नष्ट कर दिया, एक दिन अपने माता पिता को मार पीट पीट करके घर के बर्तन भाड़े उठा करके ले गया। तत पिता कृपणम रोक्ष वरदनहीनो रोदः
बंध्यत्वं तो समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायक। पहले पुत्र के लिए रो रहा था कि महाराज मुझे पुत्र चाहिए। महात्मा ने बहुत समझाया। आज जब वो ब्राह्मण अत्यंत कृपण और धनहीन हो गया तब उच्च स्वर से रो रो करके कहने लगा, हे विधाता, ऐसे कुकर्मी पुत्र होने से तो मैं बिना पुत्र के ही अच्छा था, क्योंकि कुपुत्र सदा दुखदायक है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, इस समय कौन मेरे दुख को दूर करने वाला है, यह महाकष्ट मुझसे नहीं सहा जाता, अब मैं इस दुख से अपना प्राण त्याग दूंगा। आदमी की विडंबना तो देखो कि पहले पुत्र के बिना प्राण त्याग रहा था, अब पुत्र है तो पुत्र के दुख से प्राण त्याग रहा है। ब्राह्मण कहने लगा, हां देव, बड़ा कष्ट है हे विधाता, क्या इस कठिन दुख के सहने को ही संसार में मैं एक ही रह गया। फिर सोच समझ करके बोला, हे विधाता, तेरा कुछ दोष नहीं है, यह मेरे ही कर्मों का फल है, क्योंकि सन्यासी ने तो मुझे बहुत समझाया था, महात्मा ने मुझे बहुत समझाया, परंतु मैंने उनका कहा एक न माना। महात्मा का कहा नहीं का अपने हितेशियों का अगर कहा नहीं माना तो समझो दुख भोगने के लिए तैयार हो जा। आज उसी का फल भोगना पड़ा मुझे। पश्चाताप और विलाप कर करके तो ब्राह्मण रोने लगा। तदानीतं समागत्यं गोकर्णं ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयनम्। ब्राह्मण रो रहा था, उसी समय उनका पुत्र गोकर्ण आकर के देखा, पिता रो रहे, आकर के पिताजी है तब रो रहा हूं। गोकर्ण ने अपने पिता को सस्यम धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते अनिशम। असार खलु संसार, इस हे पिता, ये संसार असार है, दुख रूप है, मोह का बढ़ाने वाला है, किसका पुत्र किसका धन ये सब मिथ्या है। प्रेम करने वाला रात दिन दुखी रहता है, इंद्र को भी कुछ सुख नहीं है, न चक्रवर्ती को कुछ सुख है, संसार में जिसने जन्म लिया उसको एक न एक दुख लगाई रहता है, किसी न किसी को कुछ न कुछ तो दुख लगा ही रहता है। निर्धन के धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख शंकर को भारी, सुखी वोई हर नाम जपे, बाकी सब संसार दुखारी। कोई कहता है वो सुखी है, वो सुखी है, वो सुखी है, सुखी कोई नहीं, एक न एक दुख लगा रहता है, सुखी वो ही हर नाम जपे। हे पिताजी, जो पर
परमेश्वर के भजन करने वाले भक्त ऋषि मुनियों को ही आनंद प्राप्त होता है। इस संतान रूपी अज्ञान को छोड़ो, मोह से नरक होता है, यह देह एक न एक दिन गिर जाएगा, इसका कुछ भरोसा नहीं, इसलिए सब मोह ममता को तज बन में जाओ, नारायण का भजन करो। आत्मदेव ने पुत्र के मनोहर वचन सुन बन जाने की इच्छा कर पुत्र गोकर्ण से कहा, हे पुत्र, वन में जाकर के क्या क्या करना उचित है, सो विस्तार से कहो। क्या करूंगा वन में जाकर के? ये काया यलवेली आज सुंदर दिख रही है हमको, एक दिन क्या हो जाता है, ये काया यलवेली अरे कौ दिन माटी में मिल पानी में भर जाएगी, कौ दिन माटी में मिल जाएगी, काया हलवेली कौ दिन माटी में मिल जाएगी। I am a baby, 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 I am a baby,
चाहिए। गोकर्ण से कहा, हे पुत्र, वन में जाकर क्या क्या करना उचित है? हे दयालु पुत्र, तू मुझे इस जगत के जंगल से निकाल दे। गोकर्ण बोला, धन कहां छुपा करके रखा है बता। माता को मारने लगा, पीटने लगा, इतना मारा अपनी माता को धुंधकाली ने। इति तद्वाक्यं संत्रासा जनन्या पौत्र दुखतः कूपे पातक्रतो रात्रो तेन सानिधनं गतः। अपनी माता को इतना पीटा बता, धन कहाँ रखा है? पुत्र के मारने से व्याकुल होकर के, दुखी होकर के माता विचार करने लगी कि अब मुझे इसे बचाने वाला भी कोई नहीं है। रात्रि में कुएं में गिर करके और खत्म हो गई। उसकी माता रात्रि में कुएं में गिर करके खत्म हो गई। तब तो वो घर में अकेला रह गया, स्वतंत्र हो गया, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। घर में ही आता था, यो को बुलाता था, जुआ खेलता था, मदरा पान करता था, बेचियों को घर में ही रख लिया। धुंध काली ने 5 बेचियों को अपने घर में रखा। इधर उधर से धन लूट करके लाता। एक दिन बेचियों ने सोचा, हमारे स्वामी कितना धन लाते हैं, अगर कहीं ये पकड़ में आ गए तो पूरा धन चला जाएगा और इसके साथ में हम भी मारे जाएंगे। धन तो बहुत है हमारे पास, ऐसा काम किया जाए कि रात्रि में धुंधकाली को ही मार दिया जाए। 5 वेश्याओं ने रात्रि में धुंधकाली को गले में रस्सी डाल करके फांसी लगाई, फांसी से भी नहीं मरा। उन्होंने जलते हुए अंगारे कंडा लेकर के उसके सर मुंह पर रखे, शरीर पर जलते जलते कंडे रखे। एक अरम घबरा करके तब उसके प्राण निकले।
और घर में ही गड्ढा खोद करके उसमें गाड़ दिया। ऐसा कुकर्मी पापी वेश्याओं को रखने वाला, वेश्याओं के हाथ से मरने वाला दुर्गति को प्राप्त हुआ और प्रेत योनि में चला गया। पड़ोसियों ने पूछा कि तुम्हारा मित्र धुंधकाली कहां गया है, तब कह दिया वेश्याओं ने कि वो विदेश में गया धन कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए गया। परंतु सब जान जाते हैं गोकर्ण तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे, किसी के द्वारा गोकर्ण को पता चला, किसी ने कहा गोकर्ण तेरा भाई धुंधकाली तो मारा गया। तो गोकर्ण ने ये समझ करके कि उसका अब कोई नहीं है, उसका तीर्थों में जाकर के, गया में जाकर के श्राद्ध किया, तर्पण किया, सभी तीर्थों में तर्पण किया। कहा गया है ये धुंधकाली है ना, ये जीव ही धुंधकाली है, धन सुख और काम सुख, द्रव्य सुख और काम सुख, ये दोनों का द्वंद ही इसमें फंसा हुआ जीव ही धुंधकाली है, जो दोनों के द्वंद में फंसा हुआ है। जो गण कण के संग्रम उनकी ये गति हो, तासो कब न भूल कर इन सनरमी हो न कोई। जो वेश्याओं के साथ में ऐसा रमणता है उसकी यही दुर्गति होती है। पांच वेश्या हैं और वो जीव की पांच वेश्या क्या हैं? पांच इंद्रियां ही पांच वेश्या हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा ओ परवश जीव भयउ सब अंधा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच इंद्रियां हैं, जीव की पांच वेश्या हैं। ये पांचों इंद्रियों की इच्छा में लगा रहता है और जो पांचों इंद्रियां अपनी इच्छाओं के लिए जीव को तब तक नहीं छोड़ती हैं, मार नहीं देते, नष्ट नहीं करते। संसार में जीव अनेक एक एक इंद्री के वशीभूत होकर के मर जाता है। अलग जमीन पतंग मृग जले जे कैयाच, ये नर कैसे बाचिए इनके हो जे पाच। अल कहते हैं भोरा, भोरा क्या करता है? केवल रस लेता है, एक इंद्री के वशीभूत होकर के वो कमल के फूल में जाता है, बैठ जाता है, रस लेता है और रस लेते ही लेते उस कमल के फूल में बैठ करके रस लेता लेता है, रस लेता रहता है और दिन अस्त होता है तो कमल का फूल बंद हो जाता है, उसी में वो बंद हो जाता है। भोरा सोचता है कोई बात नहीं है, सवेरे फिर सूर्य उदय हो जाएगा, तब तक मैं और रस एकत्रित कर लूंगा। पंकज जाल में भ्रंग फंसो, फूल में जब भोरा फंस जाता है, पंकज जाल में भ्रंग फंसो बांध रहे हो रे मन मेरे मन सुआ। भस्म और बांध रहे हो रे मन।
सवेरा होते ही मैं बहुत मधु लेकर के जाऊंगा। जई मेरे कछु और भयो नहीं काल को ख्याल बड़ो है अजूबा। आए गजे चबाए गयो चबाए गयो रह गयो मन मेरे मन कोरे मन पर सवेरा देखा किसने सोच रहा प्रातः ही हो तो गएंगे दिवाकर जाइयो धाम पर अगले खूबा रात में हाथी आ गया चार बजे। बीच ही मैं कछु ऐसो भयो नहीं काल को ख्याल बड़ोई अजूबा। आय गजेंद्र चवाई गयो हाथी आया सरोवर में उस फूल को लेकर के तोड़ करके चबा गया। वो सोच रहा था कि सवेरे दिन उगा निकलेगा कमल का फूल खिलेगा तब मैं बहुत सारा रस लेकर के मैं अपने घर जाऊंगा बच्चों के पास जाऊंगा पत्नी के पास जाऊंगा। आज हम तुम सब को किसी को काल का नहीं पता। ये कहते हैं कल कर लेंगे परसों कर लेंगे फलाने देना कर लेंगे तब कर लेंगे। वो बोरा सोच रहा था सवेरे जाऊंगा सवेरा हुआ नहीं। रात के चार बजे हाथी सरोवर में आया कमल के फूल को तोड़ करके चबा गया। रही गयो मन में मन को मन सुवा बाकी मन की मन में ही रह गया। केवल एक इंद्री के कारण मर गया वो रस रसना उसकी इंद्री प्रबल है रस के कारण वो कमल में बंद होकर के मर गया। अल गज गज हाथी होता है हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं गड्ढा खोदते हैं उस पर कागज की हथनी बनाते हैं और आवाज देते हैं। हाथी सोचता है कि हथनी है वो स्पर्श शक्ति ज्यादा है वो कामी होता है ज्यादा। वो जाकर के कागज की हथनी से स्पर्श करता है और गड्ढे में चला जाता है पकड़ने वाले उसे पकड़ लेते हैं। मीन है वो रस स्वाद रस इंद्री की बड़ी प्रबल इच्छुक रहती है पकड़ने वाला बंसी में कुछ लगा करके फेंक देता है और उसे केवल खाने की पड़ती है और कांटा उसमें अटक जाता है उसी के कारण मर जाती है। अलगज मीन पतंग पतंग रूप की इतनी बड़ी इच्छुक है दीपक की लौ पर वो जल जाती है भुज जाती है अपने शरीर को नष्ट कर देती है और उसी पर मर जाती है। मृग कानों को सुनने की शक्ति इच्छा वह बहुत रहती है पकड़ने वाले क्या है वो सितार बजाते हैं और उस
उसको सुनने के लिए मेरे नजदीक आ जाता है। और बस इतना मगन हो जाता है कि अभी भाई पकड़ लेते हैं और ले जाते। अलग जमीन पतंग मृग जले जे एक एक इंद्री के कारण मारे गए। ओ जे नर कैसे बाचिया इनके ऊजे पांच। वो एक एक इंद्री के कारण मारे गए। मनुष्य के अंदर तो पांचों मौजूद है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तुझे काम सुख और द्रव्य सुख के दोनों के द्वंद में फंसा हुआ यही द्वंद काली है, यही पांच वेश्या है। एक दिन द्वंद काली प्रेत बन गया, गोकर्ण तीर्थ यात्रा से आया और वापिस अपने घर आया, अंधेरे में आया और अपने घर में रुका। रात्रि में गोकर्ण को धुंधकाली डरपाने लगा, कहीं मेढ़ा बन करके, कहीं भैंसा बन करके, कहीं भूत बन करके, कहीं कोई बन करके। भयानक रूप देख कर कभी इंद्र कभी यज्ञ हो जाए, कभी पुरुष हो जाए, नाना प्रकार के रूप दिखाने लगे। गोकर्ण ने देखा, कहा कौन है भाई, क्या बात है। कस्वमवं ग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामि मावं किं वा प्रेतपिशाचो वा राक्षसो असीति संसनः। हे भाई आप कौन है जो रात में यहाँ आया है, और क्या तू इस दुर्दशा को पहुंचा है, क्या तू भूत प्रेत है, पिशाच है या राक्षस है, अपना वृतांत हमसे कह। सूत जी बोले, जब इस प्रकार से गोकर्ण ने पूछा तो उच्च स्वर से रोने लगा, परंतु बोलने का सामर्थ्य नहीं रहा, बोल नहीं सका, केवल संकेत ही से कहा, संकेत से कहने लगा। ततो अंजलो जलम कृत्वा गोकर्णस्तम मुदीरयनम तत्से कादगतम पापो असु प्रवक्तामुपचक्रमेह। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर के मंत्र पढ़ करके उसके ऊपर छींटा दिया। तब जल छिड़कने से वह प्रेत पाप रहित हो कहने लगा, हे गोकर्ण मैं धुंधकारी तेरा भाई हूँ, अपने ही दोषों से मैंने अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया है। हे गोकर्ण मैं ब्राह्मण होकर के भी मैंने ऐसे ऐसे कुकर्म किए हैं, मैंने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, अपने अज्ञानपन से कुकर्म किए हैं, उन कुकर्मों की संख्या नहीं है। मैं लोगों का मारने वाला था, मुझे वेश्याओं ने फांसी देकर के महादुख से मार डाला है, इस कारण से मैं प्रेत योनि को ग्रस्त हुआ प्राप्त हुआ हूँ, अपनी दुर्दशा भी कहता हूँ। देवाधीन के फल प्राप्त होने से मैं पवन बच्चन करके जीता हूँ, हे कृपा सिंधु बंधु मुझे इस महासंकट से शीघ्र छुड़ाओ, मेरा उद्धार कराओ, मेरा उद्धार कराओ। गोकर्ण बोला, तदर्थ तुम गया पिंडो मया दत्तो विधान तत्कथं नैव विमुक्तो असि ममाशर्यमिदं महत्। हे भाई मैंने तेरे उद्धार के लिए गया जी में पिंड दिए, फल गूलर पर श्राद्ध किया था, तो भी तेरी मुक्ति नहीं हुई,
आश्चर्य की बात है। धुंद काली ने कहा, हे गोकर्ण, तू एक गया तो क्या, अगर सौ सौ गयाओं में जाकर के मेरा पिंडदान करे ना, क्योंकि मेरे पाप इतने हैं कि मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरी मुक्ति हो। अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, सवेरा हुआ। गांव वालों को पता लगा, गोकर्ण तुम कब आए? कहा, मैं रात्रि को ही आया था। गांव वाले सब जुड़ करके आए, और गोकर्ण कैसे हो? गोकर्ण ने कहा, भाइयों आज रात्रि में मुझे धुंधकाली यहाँ आया मेरे पास, वो मर चुका और प्रेत बन गया, वैश्या ने उसे मार दिया। अब वो अपने उद्धार के हेतु मुझसे प्रार्थना कर रहा था, उसकी मुक्ति का उपाय बताओ। सबने विचार किया, गोकर्ण हमसे ज्यादा तो तुम ही ज्ञानी हो, श्राद्ध से पिंड दान से उनका उद्धार नहीं हुआ, हमारी परंपरा में तो यही है कर्मकांड। गोकर्ण ने कहा, वो तो सब मैंने कर दिया। तब सभी ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि हमारी समस्या बाहर है। ब्राह्मणों ने कहा, हम कर्म कांड में विश्वास रखते हैं, कर्म कांड से नहीं हुआ तो हमारे से परे हैं। गोकर्ण ने विचार किया, क्यों नहीं जो सर्वोपरि भगवान नारायण सूर्य हैं उनसे पूछा जाए। एकाग्र मन करके उनका आह्वान किया, भगवान सूर्य से प्रार्थना की, प्रभु धुंधकाली की मुक्ति के बारे में आप बताएं। आप सब समझें, सोचें, विचार करें कि जो डायरेक्ट भगवान सूर्य नारायण से बात कर सकता है वो कितना विद्वान, कितना बड़ा भक्त होगा। सूर्य नारायण ने कहा, गोकर्ण धुंधकाली का प्रेत योनि से उद्धार केवल भागवत की कथा से होती होगा, आप भागवत की कथा सुनाएं उसे, उसका उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण ने सबसे कहा, सूर्य के बताए हुए मार्ग से गोकर्ण ने धुंधकारी को भागवत की कथा सुनाई, परंतु जैसे सुनाते बुलाते और वो चला जाता। धुंधकारी को गोकर्ण आवाज देते, वो नहीं बोलते, संध्या के समय फिर आता, कहते कि भैया मैं चला जाता हूं, मेरा वायु रूप है, रुकता नहीं। गोकर्ण ने एक बांस को बता दिया कि आप इसमें
रुके छिद्र में पोला बांस उसमें रुक जाए। इसमें आपको कोई नहीं परेशानी होगी, वो उसमें चला गया। जैसे ही उन्होंने कथा सुनी, पहले दिन कथा सुनी, संध्या के समय पर विश्राम पर एक गांठ टूट जाती है। सात दिन तक सात गांठ टूट गई बांस की। श्री सोनक जी महाराज कहते हैं, प्रभु एक सूखे बांस की गांठ टूट गई, ये सब क्या है और सात ही गांठ क्यों? सूत महाराज कहते हैं, सौनक भगवान की कथा से जैसे एक बांस है, सात गांठ का बांस है, ये शरीर अपना वासनाओं का बांस है, ये शरीर अपना वासनाओं का बांस है, इस बांस वासनाओं के बांस में जो जीव द्वंद में फंसा हुआ है, ये द्वंद काल यही बैठा है, और सात गांठ मनुष्य की जो आसक्ति है, धन की आसक्ति, तन की आसक्ति, स्त्री की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, भवन की आसक्ति, इसी प्रकार सात जगह आसक्ति उसकी गांठ है। जड़ चेतन ग्रंथ पर गही तदप मृषा छूटत कठिनई, जब ते जीव भयो संसारी ओ छूटे ग्रंथ न होई सुखारी। जब से संसारी हो गया है तब तक ये ग्रंथि गांठ नहीं टूटेंगी, तब तक ये सुखी नहीं होगा। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय ओ छूटे न यदि यदि कबूर जाय। गले में उपाय करते हैं छुटाने के लिए नहीं, वो तो और ज्यादा उलझते जाते हैं। सात गांठ टूट गई, धुंध काली के लिए विमान आया स्वर्ग से, धुंध काली उस विमान में बैठा। सभी श्रोताओं ने देखा धुंध काली के लिए विमान आया। गोकर्ण से कहा, महाराज ये तो बड़ा भेद है, कथा हम सबने सुनी और विमान केवल धुंध काली के लिए आया। गोकर्ण ने कहा, श्रोताओं जो व्यक्ति जिस भाव से कथा सुनता है वही फल उसे प्राप्त होता है। धुंध काली ने केवल मुक्ति के लिए कथा सुनी थी तो उनकी मुक्ति हुई और विमान आया और तुम्हारे सामने परिणाम है। तुम कथा सुनने के लिए आते हो, क्या उद्देश्य लेकर के आते हो? कछु तो आते चलो वह चाय बन जाएंगे, कछु आते बड़ो टाइम पास से जागो, कछु आते कछु बीड़ी तमाकू मिले कोई खून को घास लगी रहे। अरे कछु कने के तो बीड़ी में बड़े मिठाई मिठाई के नहीं लगते हैं। अब जब कथा में लगे कछु बीड़ी नहीं में लगे सुख का देवी कुमार, कम से कम कथा सुन रहे हो तुम, सुनने भी आयो जी, बीड़ी तो 24 घंटा की है तुम्हारी, वो तुमने हमन 1 घंटा को आधा घंटा को टाइम ही दो पीवे के कहने, भगवान जाने बिने में ते की तलब है और जा कथा में कोई तलब नहीं। अपनी मुक्ति के उद्धार के लिए कोई मन नहीं, इच्छा नहीं, यही तो अपनी बड़ी सबसे बड़ी समस्या है।
सबने कहा महाराज हम सभी श्रोता हैं, हाँ ये बात जरूरी है कि हमारे मन में भेद था। कोई सोच रहा था कि हमारे मोड़ा को ब्याह है जाए, कोई सोच रो कि हमारे काम बन जाए, कोई सोच रो हम पैसा भाई है जाए, गरीब मिट्टिया भक्त इतने करने लगे। ये भगवान के कीर्तन की ये गंगा है, कथा गंगा है, उसमें मेरा नाय कबीरा नाय आए जम गण गौ नाय लई बाबरिया जा प्रेम सुधा सागर में Thank you.
Thank you.
बाबरिया जा।